पवित्र माह रमजान का चांद नजर आते ही हर तरफ खुशियां छा गई। एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। उत्साह से रमजान के महीने का स्वागत किया गया। रात को नमाजियों से मस्जिदें भर गईं। दो वर्षों के लॉकडाउन के बाद हुई सामूहिक रूप से तरावीह की नमाज के लिए भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद लोग पहले रोजे की सहरी की तैयारी में जुट गए। रमजान को लेकर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। लोग सहरी व इफ्तार के सामान की खरीदारी में जुटे रहे। शाम मगरिब की नमाज के बाद घरों, मस्जिदों की छतों पर, ऊंची इमारतों पर चांद देखने के लिए लोग चढ़ गए। जैसे ही चांद नजर आया, खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के चेहरे चमक उठे। एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ चहल पहल दिखाई देने लगी। घरों में शहरी व इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज रमजान का चांद दिखा है। आज पहली तरावी होगी, उसके बाद कल से पहला रोजा चालू होगा। इसमें तफसील से थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले तो रमजान का चांद मुबारक हो आप तमामी मुल्क वतन को। और मैं बताना चाहूँगा कि मुस्लिम कौम जो है रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और इंशाल्लाह आज पहली तरावी अदा की जाएगी। और तरावी के बाद कल से लेकर इंशाल्लाह पूरा महीना हम लोग रोज़ा रखेंगे और तरावी नमाज को अदा वक्त पर करेंगे इंशाल्लाह। और मुल्क वतन के लिए दुआ करेंगे और यही दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान से जो बीमारी चल रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और आपस में भाईचारगी के साथ और मोहब्बत के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। यही हम दुआ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।